हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं डॉक्टर नवनीत कारा और आज का टॉपिक मैं अपने दूसरे चैनल पर लेकर आया हूं, मोटिवेशनल वीडियोस बाय डॉक्टर नवनीत कारा। क्योंकि पहले वाला चैनल मेरा एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया गया यूट्यूब द्वारा, कुछ गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है उनकी कोरोना से रिलेटेड। हालांकि मैंने तो सब अपने लोगों की हेल्प करने के लिए किया, लेकिन कई बार कहते हैं ना आटे के साथ घुन भी पिस जाता है, तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ। अच्छाई करते करते मेरा चैनल ही बंद हो गया। अभी एक हफ्ते बाद फिर आऊँगा, मंगलवार से फिर शुरू करूँगा। तब तक मैं अपने वीडियोज़ इसी चैनल पर डालूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आज का टॉपिक ये है कि कोविड के पेशेंट में जो डेथ हो रही है, इतनी सारी डेथ जो हो रही हैं, तो जो सडन डेथ हो रही है, अचानक डेथ हो जाती है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो सरकार ने पूछा है, स्टडी करने के लिए कहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, खास तौर से दिल्ली में और भी जगहों पे ऐसा है कि जहाँ पे डेथ, सडन डेथ वैसे तो कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी प्रदेश में हो सकती है, लेकिन स्टडी करने को कहा गया डॉक्टर्स को कि आप देखिए कि सडन डेथ क्यों हो रही है। सडन डेथ के कारण होते हैं, नंबर वन, सबसे पहला कारण होता है ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा लो हो जाना। दूसरा होता है थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमना, यानी कि आपके शरीर में क्लॉटिंग हो गई, खून का टक्का टूटा और टूट के कहीं और चला गया, तो ये एक दूसरा रीज़न ये हो सकता है। तो अब इसी पे इशू है कि क्या डॉक्टर एंटी कोगुलेशन मेडिसिन दे रहे हैं, क्या खून को पतला करने की मेडिसिन दे रहे हैं, नहीं दे रहे, पहली चीज़। अगर नहीं दे रहे हैं तो उनको देनी चाहिए। दूसरी, और क्या हाइपोक्सिया को ठीक से गाइड भी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को एडमिट कर दिया और उसको कोई देखने वाला ही नहीं है, फिर अचानक आपको पता चलता है उस ऑक्सीजन तो 50 हो गई। क्यों, आपने कोविड वार्ड में डाल दिया, वहाँ पर कोई देखने वाला ही नहीं है, बस डाल दिया, एडमिट कर दिया, बस कोई देखने वाला नहीं है। तो ये कुछ जो इररेगुलरिटीज़ आ रही हैं सामने, कि ऐसा अगर हो रहा है तो इसकी वजह से अगर डेथ हो रही है तो इस पर ध्यान दिया जाए और इन चीज़ों को देखा जाए कि नंबर एक, कि उनका अच्छे ढंग से मॉनिटरिंग हो, उनकी हॉस्पिटल में डेथ हमारी वजह से ना हो, कि ये ना हो कि हॉस्पिटल की वजह से डेथ हो कि हमने ठीक से मॉनिटर नहीं किया, नंबर वन। दूसरा, खून को पतला करने की दवाइयाँ हमने नहीं दी, जिसकी वजह से उसके खून के थक्के टूटे और इधर उधर चले गए। और ये भी देखना होता है कि खून को पतला करने की दवाइयाँ, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे नहीं दे सकते, उल्टा भी हो जाता है, कहीं ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो सारी चीज़ें देखनी होती है। तीसरा है दवाई के साइड इफेक्ट, कि ऐसा तो नहीं कि यार हमारा पेशेंट तो ठीक ठाक हो और दवाई देने से उसको प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि इंजेक्शन रेमडेसिविर हम देते हैं। तो दवाई देने से पहले सारे टेस्ट करा लें और ये देख लें क्या ये पेशेंट फिट है दवा देने से, नंबर वन। जब भी आप दवा रेमडेसिविर टाइप की मेडिसिन शुरू करते हैं तो आपको उस पर बहुत क्लोज नज़र रखनी पड़ती है, हर 3-4 दिन के बाद 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद टेस्ट करा के देखने पड़ते हैं, क्या ये दवाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे, क्या ये किडनी पर कोई असर तो नहीं कर रही है, क्या ये आपके लीवर पर असर तो नहीं कर रही है। ऐसा ना हो कि पेशेंट वैसे तो ठीक हो जाता है, शायद इस दवाई को देने से उसकी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो थोड़ी सी आप आम भाषा में कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं, जिस पर बहुत नज़र रखनी पड़ती है कि हमारा पेशेंट दवाइयों की वजह से नहीं मरना चाहिए, ठीक है। तीन चीज़ें, चौथी चीज़, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो दी जा रही हैं और जहाँ पे ये पाया गया कि ये दवाइयाँ अभी अप्रूव नहीं हैं कोविड के ट्रीटमेंट में, जैसे कि पेरफेनिडोन एंड मिथाइलिन ब्लू। पेरफेनिडोन जो है दवाई, वो लंग्स में जब फाइब्रोसिस हो जाती है, लंग्स सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे दी जाती है। लेकिन ये देखा गया है कि कोविड में ये रेगुलर यूज़ में आ रही है, लोग रेगुलर दे रहे हैं, इसको पहले से ही देना शुरू कर देते हैं। तो सरकार ने ये भी कहा है कि इसको देखें, कि क्योंकि ये दवाइयाँ ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कम कर देती हैं, ऐसा ना हो कि इनका जल्दी से स्टार्ट करना के पेशेंट को भारी ना पड़ जाए। तो ये था एक टॉपिक कि पेशेंट हॉस्पिटल की वजह से डेथ ना हो, ये देखना बहुत जरूरी है। और क्या कारण है कि हॉस्पिटल में अचानक डेथ हो रही है पेशेंट की, कुछ पेशेंट्स की अगर हुई है तो उनके ऊपर स्टडी की जाए और ये देखा जाए कि रीजन क्या है, आखिर सडन डेथ क्यों हो जाती है कुछ लोगों की, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था और मैं फिर बोलूंगा भाई कि एक तो अपना पल्स ऑक्सीमीटर जो चेक कर लें कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर ठीक है या नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखा कि पल्स ऑक्सीमीटर की जो क्वालिटी, अब जो पल्स ऑक्सीमीटर लोगों को मिल रहे हैं वो चाइनीज जो हैं, वो उनकी क्वालिटी बहुत ही खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, तो उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी मेरे एक पेशेंट के साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने 14 दिन हॉस्पिटल में रखा, 14 दिन पेशेंट बिल्कुल ठीक रहा, 15वें दिन छुट्टी करी और छुट्टी करते ही उनकी ऑक्सीजन कम हो गई, घर जाके 50 रह गई, जबकि हॉस्पिटल में वो 95-96% थी। तो मैंने उसको दोबारा बुलाया, मैंने फिर जिस फ्लोर पर वो एडमिट था, मैंने वहाँ का पल्स ऑक्सीमीटर को भी चेक करा कि इनका पल्स ऑक्सीमीटर भी ठीक है नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, शायद किस्मत ख़राब थी पेशेंट की, उसकी 15वें दिन ऑक्सीजन इतनी कम हो गई, हालांकि पेशेंट अब ठीक है और स्टीराइड से ही ठीक हो गया, मुझे रेमडेसिविर भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि स्टीराइड के यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं बाकी सब दवाइयों से, और साइड इफेक्ट भी शायद उतने ज़्यादा नहीं है जितने कि इतनी महंगी दवाइयों के। तो छोटा सा इंजेक्शन डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन ज़्यादा, अगर आप लो डोज में देते हो तो ज़्यादा यूज़फुल है, उसके रिजल्ट आए हैं। WHO ने भी एक स्टडी करी है कि डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, इनके इफेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि कोई भी दवाई अभी भी कोरोना में रेगुलर यूज़ के लिए नहीं आई है, सब एमरजेंसी यूज़ में आई हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था कि क्या करें जिससे कि सडन डेथ ना हो। तो अगर अच्छा लगे, और मेरे जूनियर डॉक्टर से भी अपील है कि भाई अगर कोविड के पेशेंट को एडमिट कर रहे हो तो उसकी पूरी केयर,
करें, उसके आप भी जाकर रेगुलर देखें, ये ना हो कि कोविड के पेशेंट को एडमिट तो कर दिया, देखने वाला कोई है नहीं वहाँ पे। लोग इसीलिए जा नहीं रहे हॉस्पिटल, सच बता रहा हूँ। मेरे पास पंजाब से फ़ोन आया, लुधियाना से, वो कहते हैं सर हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, वहाँ का हाल देख के आए हैं, वो उस सच्चा घर में मरना मंजूर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने को तैयार नहीं है लोग। वो कहते हैं सर वहाँ तो ऐसे ही पड़े हुए पेशेंट, हम क्या करें। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे भी नहीं पता है वहाँ के हालात का, ग्राउंड रियलिटीज का मुझे भी नहीं पता है। मैं तो सिर्फ प्राइवेट सेटअप का पता है कि हमारे यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें जो जो कमियाँ हैं हम उनको कैसे दूर करें। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे, और ये मेरा एक नया चैनल है, अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करें इस चैनल को भी, आपकी बहुत ज़रूरत है। पहले चैनल को आपने मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचा दिया। मैं फिर आऊँगा मंगलवार को उसी चैनल पर, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एक हफ्ते के लिए बैन है मेरा चैनल, क्योंकि शायद ज़्यादा भला कर दिया मैंने दुनिया का। यार वो कहते हैं यार आप दवाइयों के बारे में बता नहीं सकते पेशेंट को, पेशेंट को डॉक्टर नहीं बना सकते। मैंने कोशिश करी पेशेंट्स को डॉक्टर बनाने की, तो क्या हुआ, वही हुआ जो होता है। चलो थैंक यू वेरी मच, मैं आता रहूँगा इसी तरह से नए नए वीडियोस लेकर, नए नए टॉपिक लेकर, और ये चलता रहेगा महाला, इसी तरह से गुनगुनाता रहूँगा जैसे पहले गुनगुनाता था। हालांकि मूड थोड़ा सा ऑफ जरूर है, लेकिन क्या बोलूँ, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। यस दोस्तों, हार के बाद ही जीत है, और बार बार गिर के बार बार खड़ा होना, ये मैंने सीखा है इस ज़िंदगी से कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। बाय, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कर रहा, बाय।